ज्ञाता दृष्टा भाव आज का शुभ संदेश है। ज्ञाता दृष्टा का अर्थ होता है कि जानने वाला, देखने वाला। हमारे जो भीतर प्रभु विराजमान है, हमारे भीतर जो चेतना है, हमारे भीतर जो आत्मा है, उसका गुण है जानना देखना। मैं जानने वाला हूं, मैं देखने वाला हूं, मैं ज्ञाता हूं, मैं दृष्टा हूं, इसका गुण है। और ये जो चेतना है वह अशरीरी है, जिसके शरीर ही नहीं है वो कुछ कर ही नहीं सकता है, लेकिन अशरीरी होते हुए भी इसकी प्रेजेंस बिना कुछ भी काम नहीं होता है। उदाहरण के तौर पर एक मुर्दा क्या कभी कोई हलन चलन कर सकता है, सोच सकता है, या कोई भी क्रिया कर सकता? नहीं कर सकता है। इसका मतलब हुआ कि आत्मा की हाजिरी से होता है। तो आत्मा का स्वभाव है ज्ञाता दृष्टा बने रहना। अब वो किसको जाने और किसको देखे? देखिए, आत्मा शरीर में है तो शरीर के अंदर काम करने वाले जो कंपोनेंट्स है वो मन, वचन, काया। मन से हम सोचते हैं, वचन से हम बोलते हैं, और काया से जैसा जैसा सोचा बोला जाता है वैसा हम कार्य करते हैं, क्रियान्विति करते हैं। तो मन, वचन, काया से जो कार्य होता है उसको देखते रहना ज्ञाता दृष्टा भाव है। और अगर वास्तव में कोई विदेह की साधना करना चाहता है, कोई समता की साधना करना चाहता है, कोई मुक्ति की साधना करना चाहता है, तो ये मन, वचन, काया तो अलग है। ये मन, वचन, काया तो वो जो जड़ है वो टेम्परेरी है, और वो हमारा भुगतान है जो कि पूर्व जन्म से हम लेके आए हैं। वो हमारा कमिटेड है। जो ध्वनि पिछले जन्म में की थी, जो प्रतिष्ठा पिछले जन्म में की थी, उसकी प्रतिध्वनि जो है वो द्रव्य कर्म के रूप में इस जन्म में मिलती है। तो वो तो निश्चित तौर से ऑटो मोड से होगा ही। उसको कमी बेसी करने का, बदलने की हमारी कोई स्वतंत्रता नहीं है, क्योंकि ऐसा सारा संजोग के अधीन होता है और वो संजोग कुदरत जुटाती है। तो ज्ञाता दृष्टा भाव का अर्थ होता है कि जो कुछ चल रहा है उसको देखते रहो, देखते रहो, यही मुक्ति का मार्ग है।